तो वैसे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल टॉपिक से रिलेटेड। बेसिकली इसमें करेंगे कि हम लोग की आप में से किसी एक बंदे का जो वेबसाइट है गाइस, वो मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता यार मैं आपका वेबसाइट यहाँ पे रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपली उस वीडियो को लिंक को ओपन कर लेना और उस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देख लेना। आप लोगों को ही पता चल जाएगा कि मैं आप लोग का वेबसाइट यहाँ पर रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो सब अभी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को अपना वेबसाइट यहाँ पर रिव्यू करवाना है, उस वीडियो को जाके कम्प्लीटली एंड तक देखो, आप लोग समझ जाओगे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली मैंने बोला था उस वीडियो के अंदर कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे आना है और कोई भी एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी लोग थे उन्होंने पहला वाला आर्टिकल ओपन किया, और पहला वाला आर्टिकल ओपन करते हम लोग तो सभी लोगों ने पहला वाला आर्टिकल ओपन किया और वहाँ पर अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस यार बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जो पहला कमेंट है, मैं सिंपली इनका यूआरएल कॉपी करता हूँ। इनका इशू क्या है, पॉलिसी वायलेशन आ रहा है, तो इनकी आप वेबसाइट हम लोग सिंपली कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो। लेट्स चेक यार इनका पॉलिसी वायलेशन क्यों आ रहा है यहाँ पे गूगल एडसेंस में, जब यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो भाई यार वेबसाइट चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा यार, कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बिकॉज यार ऐसे टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनने वाली हैं। तो इसलिए पहले ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इनका वेबसाइट काफ़ी नॉर्मल है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे नॉर्मल जो टाइटल दिया हुआ है। मैं आपको इनका जो कंपैरिजन अपने वेबसाइट से भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपने वेबसाइट के होम स्क्रीन पे चलता हूँ और ये मेरे वेबसाइट का होम स्क्रीन है। तो यहाँ पर भी नॉर्मली ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्क्लेमर अबाउट इट, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने टाइटल दिया अपनी वेबसाइट का, काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो आप में से सभी लोगों ने डाला होगा, मैंने भी डाला था, बट अप्रूवल के बाद यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, एंड देन उन्होंने जो एक फीचर पोस्ट यहाँ पर आ रहा है इनका कुछ इस तरीके का, तो इनका जो भी एक आर्टिकल है वो यहाँ पर शो हो रहा है और बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब नीचे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, अभी हम लोग सारे के सारे आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे होम है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये होते सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेजेस। ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा होपफुली कि कैसे इनको क्रिएट करते हैं, एंड काफ़ी सिंपल होता है इनको क्रिएट करना। तो इस वेबसाइट में ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे के सारे पेजेस हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और लेबल्स पे चलते हैं। तो लेबल्स में यहाँ पे इन्होंने अपने तीन लेबल्स डाले हैं। ठीक है, तीन लेबल्स के बाद यहाँ पे एक और चीज़ करनी चाहिए कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें वो भी आई थिंक यहाँ पर ऐड करते हैं, तो वो भी बेटर हो जाता है और अप्रूवल मिलने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी इनको करनी चाहिए। एंड देन यहाँ पर देखा जाए, अगर हम लोग सभी एक लेबल्स को ओपन करते हैं, मैं सिंपली एक लेबल ओपन कर लेता हूँ, तो तीनों लेबल हम लोग यहाँ पर रिव्यू करेंगे। तो ये हमने पहला लेवल ओपन किया, इसके अंदर कितने आर्टिकल आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक ही आर्टिकल आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है इस वाले लेवल में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और इस वाले लेवल में बहुत ही सारे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं। एंड देन अगर हम लोग तीसरे वाला लेवल चेक करते हैं तो उसमें भी एक आर्टिकल है। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपने वेबसाइट में कोई भी लेबल यूज़ करते हो और अगर उसके अंदर जो होता है आर्टिकल 5 से कम है हर एक लेवल के अंदर, तो उस लेबल को या तो रिमूव कर दो या फिर उस लेबल के अंदर और भी सारे आर्टिकल्स लिखो। जैसे इनका ये वाला लेबल है, ठीक है, कौन सा लेबल है, ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाला लेबल। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखा है, तो इससे जो अप्रूवल नहीं मिलता। करना क्या होता है, या तो 5 आर्टिकल और लिख दो इसी लेबल के अंदर, और या फिर क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये आर्टिकल रिमूव करते हैं और इस लेबल को भी रिमूव कर देते हैं। अगर हम लोग को लेबल ऐड करना है, रिमूव नहीं करना, देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 4 आर्टिकल्स और ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हो उनका एक लेबल है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड देन जो सेकंड वाला है वो लेबल भी सेम इसी तरीके का है, लेबल ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक्स वाला ये लेबल है। तो इन दोनों में सेम आर्टिकल है, एंड दोनों में अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं तो वो एक ही आर्टिकल है। तो इन दोनों लेबल में और भी आर्टिकल्स ऐड करने की ज़रूरत है। बात करते हैं इस वाले लेबल की, तो ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी ऐड हुए हैं। एंड देन उसके बाद यार यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर होम पेज पे। तो यहाँ पे करना क्या है, पहली जो मिस्टेक हुई है वो यही है कि इन्हें करना क्या है, हर एक लेबल के अंदर जो आर्टिकल्स है वो इनक्रीज़ करने हैं। पहला वाला और जो तीसरा वाला मैंने लेबल ओपन किया है उसमें सिर्फ एक एक आर्टिकल्स है, तो वो इनको ऐड करने पड़ेंगे आर्टिकल्स। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग चीज़ देखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट में ले चलूँ तो यहाँ पर देख सकते हो पॉपुलर आर्टिकल्स है, एंड देन यहाँ पे लेबल्स है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ऐड करनी चाहिए, देख सकते हैं रीसेंट आर्टिकल्स भी यहाँ पर ऐड है, बट अगर इनका वेबसाइट चेक किया जाए तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, रीसेंट पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एडेड होनी चाहिए। देन अगर हम लोग कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, तो मैं सिंपली कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये अपना आर्टिकल जो गाइस ओपन कर लिया, और देख सकते हो उसकी वर्ड लिमिट कितनी है, पहले तो हम लोग वो चेक करते हैं। तो उसका वर्ड लिमिट चेक करने के लिए मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे, सर्च करता हूँ वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर सर्च करना है, एंड देन हम लोग की वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है, एंड देन हम लोग इस आर्टिकल को सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके पूरा हम लोग को कॉपी करना है, तो यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ पर हम लोग चलते हैं और सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपली हम लोग को नीचे आना और देख सकते हो 670 वर्ड्स इनके आर्टिकल्स के अंदर। सो ये काफ़ी सही चीज़ है कि जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो उसकी वर्ड्स लिमिट है वो है 670 से ज़्यादा, तो उससे अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लोग का भी कोई आर्टिकल है उसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 है या उससे कम है, तो उसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एडसेंस उन्हीं वेबसाइट्स को अप्रूवल करता है जिनके अंदर गए जो वर्ड्स होते हैं 500 से ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर इन्होंने सही की हुई है, बट एक गलती वो ये भी की है कि इन्होंने जो है इमेज है वो ऐड यहाँ पर की नहीं है। तो इमेज इनके एक भी आर्टिकल में नहीं है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल ओपन किए तो इमेज तो मुझे एक भी आर्टिकल में अभी तक दिखी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी गलती हमने देख ली, और तीसरी थी है ना, तीसरी गलती थी। अब हम लोग नेक्स्ट गलती जो देख सकते हैं वो अगर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यार देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर नेविगेशन बटन नहीं है, यहाँ पर मोर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन नेविगेशन बटन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब अगर वहीं पे मैं अपनी वेबसाइट में चलता हूँ और नीचे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो नेविगेशन बटन आ रहा है 1 2 3 4। तो अगर इन्होंने आर्टिकल लिखा भी है और किसी को अगर पुराना वाला आर्टिकल रीड करना है तो वो मोर पोस्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, उसके बाद अगर उसे और भी पुराना आर्टिकल पढ़ना है तो उसके बाद और भी मोर पोस्ट पे क्लिक करेगा, उससे जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं मिलेगा उसे। तो नेविगेशन बटन इनको ऐड करनी पड़ेगी। नेविगेशन बटन ऐड करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो यही है कि कोई ऐसा थीम यूज़ करना चाहिए जिसमें ऑलरेडी नेविगेशन बटन ऐड हो, तो उसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ यार अगर आप लोग को कोई ऐसा थीम चाहिए जिसमें नेविगेशन बटन हो, देन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, उसे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आप लोग को बताया गया है कि उस थीम से जो एडसेंस अप्रूवल के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, उसमें नेविगेशन बटन भी मिलता है साथ ही साथ में। तो ये कुछ गलतियाँ थी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती है भाई वो है थीम की। यहाँ पर जो इन्होंने थीम किया, आई थिंक यार इस पर अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम है, या तो इन्होंने इमेजेस यूज़ के इसलिए काफ़ी ब्लैंक ये थीम लग रहा है, तो इसके लिए इनको थीम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कौन सा थीम यूज़ कर सकते हो, उसके लिए दोबारा से उनको वही वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप में से भी किसी का भी आर्टिकल इस तरीके का है, फिर वेबसाइट इस तरीके का है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आप लोग को पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ गलतियाँ क्या क्या हैं। तो जो इनका वेबसाइट का पहली गलती है वो तो यहाँ पर ये जो 3 लाइन वाला ऑप्शन है और ये लेबल्स है, ठीक है। लेबल में नहीं करना कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 3 लेबल यहाँ पे डाले हैं, और उसके अंदर जो पहला पहला वाला लेबल और तीसरा वाला लेबल, इसके अंदर क्या किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल जो है कम से कम यहाँ पे 5 होने चाहिए एक लेबल के अंदर, और ये वाला जो लेबल है बिल्कुल सही है, और ये जो पहला है और तीसरा है इसमें गलती है, ये चीज़ इनको करनी है। और फिर सेकेंडली इनको क्या करना है, जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे के सारे पेजेस इनको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सब ऐड करेंगे तब जाके एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक और गलती देखी कि इन्होंने जो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट, रीसेंट पोस्ट, सोशल काउंटर, ये सारी की सारी टैग्स यहाँ पर ऐड ही नहीं किए, तो उससे वेबसाइट जो पूरा का पूरा ब्लैंक दिख रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इनको जो थीम चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इनका जो वेबसाइट है पूरा बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है वाइट कलर का, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप लोग ईजिली अपने वेबसाइट को डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। एंड देन उसके बाद करना कि यहाँ पर इन्होंने जो इमेजेस है वो भी काफ़ी कम यूज़ की है, तो वो भी इनको जो यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग लास्ट टास्क पे आते हैं, तो सिंपली इसके लिए दोबारा हम लोग एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, एंड इस आर्टिकल को ये जो हम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद करना क्या गाइज, यहाँ पे तो हमने वर्ड्स के काउंट किए थे 670। अब हमें ये चेक करना है कहीं ये कॉपीड तो नहीं है, अगर ये कॉपीड नहीं होगा देन उसके बाद अप्रूवल ईजिली मिल जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाते हैं यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर में चलते हैं, ठीक है। तो प्लेगरिज्म चेकर में हम लोग जाएंगे, सिंपली इस वेबसाइट को हम लोग ओपन कर लेंगे।
जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, हमें क्या करना है उसको पूरा पूरा यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ता है। देखिए लोडिंग हो रहा है, तो हम लोग को सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे सिंपली चेक प्लेगरिज्म में क्लिक करना है, इससे पता चल जाएगा इन्होंने अगर कुछ कॉपी किया होगा या फिर कॉपी नहीं होगा, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाती है। ओके, तो बस अब देखो अब वेट करना है एंड ये देखिए लोड हो रहा है, तो हमें सिंपली बस वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए चेकिंग हो रहा है, 1% चेक हो चुका है। प्लेगरिज्म का मतलब जितना भी कंटेंट जो है कॉपीड होगा और 17% यूनिक, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो बहुत सारा कंटेंट है वो कॉपीड है आपका, अगर प्लेगरिज्म है वो अगर यार 40% के अराउंड आ रहा है या फिर 20% से भी ज़्यादा है, देन यार आप लोग को ये चेक करने की ज़रूरत है और आपको अपना कंटेंट यहाँ पर रिमूव करना चाहिए, बिकॉज ये जो ज़्यादातर कंटेंट है वो कॉपीड है। तो इसीलिए जो चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, और एडसेंस कभी भी अप्रूव नहीं करता उन वेबसाइट्स को जो कि कॉपीड कंटेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने तो अभी सिर्फ एक ही यहाँ पर आर्टिकल ओपन किया जिसमें 48% प्लेगरिज्म दिख चुका है। तो आपको भी अपना जो वेबसाइट का कंटेंट है वो चेंज करने की ज़रूरत है, या तो इस आर्टिकल को रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके एडसेंस का जो अप्रूवल है वो मिलेगा। ये पता कैसे चलता है कॉपीड कंटेंट है? तो ये जो टूल है गाइस, ये पूरा का पूरा गूगल में चेक करता है पूरी की पूरी वेबसाइट जितनी भी है पूरे गूगल में, एंड देन चेक करता है कौन कौन सी लाइन जो है गाइस यहाँ पर मिल रही है। तो ये सारी लाइनें देख सकते हो सब मिल रही है बाकी सभी वेबसाइटों से, तो ये जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये अब कितनी गलतियाँ हो चुकी है वेबसाइट के अंदर वो चेक करते हैं हम लोग पूरा लास्ट में, और आप लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो। पहली चीज़ तो यहाँ पर लेबल में गलती थी हमने देखा था, तो वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया काफ़ी बार। उसके बाद थीम चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टेम्पलेट है बिल्कुल ब्लैंक है। एंड देन उसके बाद सभी आर्टिकल्स के अंदर जो है यहाँ पर इमेजेस यूज़ करने की ज़रूरत है, और फिर लास्ट में यहाँ पर नेविगेशन बटन भी ऐड करना पड़ता है, और जो उनका कंटेंट है वो कॉपीड भी है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है जो ये सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सो आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर यार मैं आप लोग का वेबसाइट रिव्यू कर रहा हूँ आप में से किसी एक बंदे का। तो जिनको भी अपना वेबसाइट रिव्यू करना है, कोई भी आर्टिकल मेरे वेबसाइट में जाके ओपन करो और सिंपली कमेंट कर दो अपने वेबसाइट का लिंक, और उसके बाद वहाँ पे रीज़न भी लिख दो क्यों आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो बस यार आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।